आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। लक्सर में कधेड़ की हत्या के मुकदमे में नामजद आरोपियों पर कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने जियो से मिलकर कोतवाली पुलिस की शिकायत की। साथ ही कार्रवाई न होने पर महिला ने बच्चों के संग आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के साथ साठगांठ कर फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। उधर पुलिस ने विवेचना में शक छिपाए जाने पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। बता दें कि लक्सर के रजबपुर गांव की अनीता ने अपने घर वालों के साथ लक्सर सीओ बीएस चौहान से मुलाकात की। उन्होंने सीओ को प्रार्थना पर देकर बताया कि इसी 15 अक्टूबर को भुरनी का संदीप उसके पति पप्पू को अपने साथ कहीं ले गया था, लेकिन देर शाम पप्पू घायल अवस्था में कुआखेड़ा गाँव के पास पड़ा मिला। परिजन पहले तो उसे हरिद्वार और फिर एम्स के ऋषिकेश ले गए। दो दिन बाद अस्पताल में ही पप्पू की मौत हो गई और कहा कि इलाज के दौरान पप्पू ने संदीप द्वारा मारपीट करने की बात उन्हें बताई थी। इसी आधार पर उन्होंने कोतवाली में हत्या का नामजद मुकदमा लिखाया था और आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय उल्टा उन्हें ही कोतवाली बुलाकर धमका रही है और आरोपी के पक्ष में फैसला करने का दबाव डाला जा रहा है। उन्हीं वाले संदीप ने मेरे पति का मर्डर किया और वहाँ पे मार कर छोड़ कर चले गया जी। घर से ले गए थे, उसे बुला के अपने साथ बैठा के ले गए थे और अभी तक पुलिस इस केस में कुछ कर नहीं रही जी। पुलिस ने आगे वो हमें दबाव दे रहे इस केस में, फैसला कर दो, ले दो चार रुपये लेकर फैसला कर दो जी। फैसला मैं कैसे कर दूँ, मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ, मेरे सिर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे उठा सकूँगी, कहाँ जाऊँगी मैं अपनी बच्ची। अगर इस केस में पुलिस ने कुछ नहीं किया तो मैं बार थाने के बाहर अपने आत्महत्या कर दूंगी ना अपने बच्चियों को लेकर। तो वो पप्पू जो है संदीप पप्पू ले गया था बुलाया गया। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्या वजह है? क्या आप तेरी पैसे खा लिए होंगे पुलिस ने? उधर कोतवाल प्रदीप चौहान का कहना है कि मुकदमे में विवेचक द्वारा जांच करने के साथ ही साक्ष्य भी संकलित किए जा रहे हैं। जो भी साक्ष्य मिलेंगे उन्हीं के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लक्सर से राम गोपाल, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।